सो वेलकम बैक टू आवर वीडियो. इन दिस वीडियो हम लोग देखेंगे कि कैसे हम स्लाइसर्स को और अच्छे से एडिट कर सकते हैं. नाउ अगेन जो मैं ये कर रही हूँ ये पूरा सब्जेक्टिव है, ये आपके ऊपर है आपको कैसे प्रेजेंट करना है अपने डेटा को. इट्स ऑलवेज बेटर टू प्रेजेंट इट वेरी नाइसली. मैंने क्या किया है, मेरा बेसिक थीम, सो इट्स अप टू यू आप कैसा एक थीम देते हो. ज़्यादा कलरफुल एंड यू नो ज़्यादा इनफॉर्मल प्रेजेंटेशन is not good, so we generally keep it very formal and you know very basic. तो मैंने अपना कलर थीम चूज़ किया है. यू कैन चूज़ एनी ऑफ योर कलर थीम. आपको जैसे प्रेजेंटेबल करना है आप वैसे जस्ट मेक श्योर एंड लेट्स मेक इट मोर इंटरैक्टिव. आप अपने आपको जैसे ठीक लगे, आप ये वाला जो पेज है जो हम अभी बनाएंगे आप अपने अकॉर्डिंग फॉर्मेट करो एंड आप मुझे सेंड करो, यू नो, सो दैट आई कैन जस्ट सी कि हाँ आप लोग भी कैसे फॉर्मेटिंग कर सकते हो. सो यू लर्न इट दैट वे बाई सीइंग अदर्स हाउ दे फॉर्मैट दे पर्टिकुलर डेटा. सो दिस इज़ माई वे ऑफ फॉर्मैटिंग. आई कैन मेक सम ऑफ द चेंजेस ऑन माई डेटा एंड ये जो है मैं परसेंटेजेस में कैलकुलेशन जो मैंने किया था, ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज, FDM परसेंटेज, इसको मैं परसेंट में चेंज कर सकती हूँ. एंड दीज आर द नेट सेल्स पर यूनिट, ग्रॉस प्रॉफिट पर यूनिट. सो दीज आर द मार्जिन्स विच आई हैव कैलकुलेटेड एंड विच आई हैव इन माई डेटा. नाउ अब मुझे स्लाइसर्स एडिट करने हैं. सो वॉट आई डू इट डू इज आई क्लिक ऑन ऑल द स्लाइसर्स. अगेन कंट्रोल या फिर शिफ्ट प्रेस करके आप सारे स्लाइसर्स को सिलेक्ट कर सकते हो. ऑप्शंस में जाना है, ऑप्शंस में जाना है एंड यहाँ पे एक ऑप्शन है न्यू स्लाइसर डेटा का. तो न्यू स्लाइसर स्टाइल पे आपको क्लिक करना है. देयर इज़ अ डायलॉग बॉक्स. अब ये डायलॉग बॉक्स को आप देखो, यहाँ पे वी हैव द स्लाइसर एलिमेंट. स्लाइसर एलिमेंट क्या होते हैं, ये सारे जो हैं बटन्स, दीज आर द स्लाइसर एलिमेंट्स. आप इसको कैसे एडिट करते हो वो आप पे डिपेंड करते हैं. नाउ वी हैव सिलेक्टेड आइटम्स विद डेटा, सिलेक्टेड आइटम विथ नो डेटा. नाउ वॉट इज सिलेक्टेड आइटम. सपोज मैंने अपने स्लाइसर में मैंने अपने स्लाइसर में सपोज यहाँ पे फर्स्ट मंथ सिलेक्ट किया, ठीक है. तो मैंने जब फर्स्ट मंथ यहाँ पे सिलेक्ट किया तो एज यू ऑल कैन सी, सपोज मैंने एक फर्स्ट मंथ सिलेक्ट किया यहाँ पे, तो इससे क्या होगा ना कि अपने आप जो डेटा है वो एडजस्ट हो जाएगा, जो डेटा है वो अपने आप एडजस्ट हो जाएगा यहाँ पे. वो तो है बट देन आई विल एक्सप्लेन दिस इन द नेक्स्ट वीडियो. यहाँ पे हम लोग को क्या देखना है कि दिस इज़ द सिलेक्टेड डेटा, दिस इज़ द सिलेक्टेड स्लाइसर एलिमेंट विच आई हैव चोजन. तो इसको कैसे एडिट करना है एंड दीज आर द अनसिलेक्टेड वंस. नाउ सिलेक्टेड डेटा, सिलेक्टेड स्लाइसर विथ डेटा, यानी कि बर्टिनो के कुछ डेटा प्रेजेंट है हमारे मॉडल में तभी यहाँ पे उनके आंसर आ रहे हैं. तो दीज आर द सिलेक्टेड वंस एंड दीज आर द अनसिलेक्टेड वंस. अब हमें प्रेजेंट करना है कैसे, हमें दिखाने कैसे हम इसको प्रेजेंट कर सकते हैं. सो फॉर दैट व्हाट आई कैन डू इज आई कैन जस्ट सिंपली क्लिक ऑन ऑप्शंस. आई विल गो टू न्यू स्लाइसर स्टाइल एंड यहाँ पे सिलेक्टेड आइटम विद डेटा पे क्लिक करके फॉर्मेट करना है. सिलेक्टेड आइटम विद डेटा एंड विथ नो डेटा, विथ डेटा को हम फॉर्मेट करते हैं. लेट्स से सपोज हम इसका फिल चेंज कर देते हैं, इसको थोड़ा और डार्क ब्लू बनाते हैं. इसको हम सपोज ये कलर देंगे तो, या फिर इससे आप एक शेड लाइट दे सकते हो. सो इट्स अप टू यू आपको कैसे करना है. इसका बॉर्डर आप चेंज कर सकते हो. यू कैन मेक अ थिक बॉर्डर, बॉर्डर का कलर चेंज कर देते हैं. लेट्स मेक इट डार्क ब्लू. सो दिस वे एंड ओके. सिमिलरली सिलेक्टेड आइटम विथ नो डेटा, बेसिकली जो भी आपने सिलेक्ट किया है यहाँ पे एंड उसके कोई आइटम प्रेजेंट नहीं है, उसके कोई डेटा प्रेजेंट नहीं है डेटा में, तो हमारे जो मेन सोर्स डेटा है उसमें अगर कोई उस रिलेटेड डेटा है नहीं, सपोज ऐसा हो सकता है कि सपोज फर्स्ट मंथ में हमने कोई ईजी फ्री ब्रांड के प्रोडक्ट को नहीं बेचा, तो हो सकता है कि वो मैच नहीं करे. सो मे बी आई जस्ट फॉर्मैट इन द सेम वे इसको भी. इट्स अप टू यू, कम्प्लीटली अप टू यू आप कैसे इसको फॉर्मैट करते हो. एंड इसका फिल हम दे देंगे येस एंड ओके. अनसिलेक्टेड आइटम, सो अनसिलेक्टेड आइटम आर दीज आइटम्स, दोज आर नॉट सिलेक्टेड, सो दीज आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट. तो इसको हम उतना इस पर ध्यान नहीं देंगे. सो आई कैन सिलेक्ट अ कलर लाइक not so, I can make it maybe light blue. Yeah, I can make it light blue. Or you can make it grey also if you want. Yeah, so you can make it grey also.
इसका बॉर्डर भी हम चेंज कर देंगे, बॉर्डर को भी हम ग्रे कर देंगे, डार्क ग्रे ले लेते हैं एंड ओके. अगेन विद द अनसिलेक्टेड आइटम विथ नो डेटा, सो दिस इज़ ऑल्सो अनसिलेक्टेड, तो इसको भी हम लोग सेम रखते हैं. दीज आर द आइटम्स विच आर नॉट सिलेक्टेड बेसिकली, तो इसका भी हम फॉर्मेटिंग ऑलमोस्ट सेम रखेंगे एंड ओके एंड ओके. अब यहाँ देखो, यहाँ पे अपने आप ये ऐड हो गया है. जो मैंने यहाँ पे एक न्यू स्लाइसर में ऐड किया था वो कस्टम में ऐड हो गया. अगर आप देखो पहले खाली लाइट और डार्क ऑप्शंस थे हमारे पास, जैसे ही मैंने कस्टम स्टाइल अपना खुद का बनाया वैसे यहाँ पे एक कस्टम स्टाइल का स्लाइसर ऐड हो गया. सो इस पर क्लिक करेंगे एंड यू कैन सी कैसे हमारा ये पूरा एडिट हो गया. सो इट्स अप टू यू, आप वापस इसको ग्रे वाले को और लाइट रख सकते हो, इट्स अगेन अप टू यू. आई जस्ट मे बी कस्टम दिस ऑल्सो, इसको हम मॉडिफाई करते हैं. तो हम अनसिलेक्टेड वाले को थोड़ा और फॉर्मेट कर देंगे. यस, एंड ओके. सो आप भी देख सकते हो वैसे हम सारे अपने स्लाइसर्स को स्लाइसर्स में सेम चीज़ ऐड कर देंगे. सो सी, अब हमारा स्लाइसर एकदम अच्छे से एडिट हो गया है. एंड नाउ व्हाट यू कैन डू इज, नाउ यू कैन जस्ट सिंपली सिंपली क्लिक ऑन एनी ऑफ द ब्रांड एंड चेक. देखो ये क्लाइंट है, ये दीज आर द डिफरेंट साइजेस विच वी हैव डिफरेंट. सो दीज ऑल थिंग्स वील डू इन द नेक्स्ट वीडियो. आई जस्ट एक्सप्लेन कि हम कैसे एडिट कर सकते हैं. इट्स अप टू यू अगेन, आप कैसे एडिट करते हो अपने पर्टिकुलर स्लाइसर को. देखो यहाँ पे ये रेफ एरर इसीलिए आया बिकॉज ऐसा कोई डेटा है ही नहीं विच रिप्रेजेंट्स ऑल दीज कॉम्बिनेशंस. तो वी कैन रिमूव दीज कॉम्बिनेशंस बिकॉज ऐसा कोई डेटा हमारे पास है नहीं कि जो ये पर्टिकुलर ज़रूरी नहीं हो सकता कि एक ब्रांड के एक क्लाइंट का पर्टिकुलर डेटा. सो इट्स अगेन कि कैसे हर ब्रांड को हम हर चीज़ को लेके डील करते हैं. इस चीज़ को हम नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे से समझेंगे. आई होप यू ऑल अंडरस्टूड द बेसिक फॉर्मेटिंग ऑफ आर स्लाइसर, कैसे हम अपने स्लाइसर को. इफ़ यू वॉन्ट टू नो मोर ऑन एडिटिंग आप यू जस्ट कैन यू नो सर्च फॉर योर सेल्फ. एंड इफ़ यू वॉन्ट आई कैन मेक वन मोर वीडियो ऑन हाउ टू एडिट दी स्लाइसर्स इन अ मोर इंटरेस्टिंग वे. सो दिस इज़ वॉट आई लाइक फॉर माई स्लाइसर्स. यू कैन हैव योर ओन परसेप्शन, योर ओन सब्जेक्टिव व्यूज ऑन हाउ टू एडिट अ पर्टिकुलर स्लाइसर.